आरजेडी के लोग भी अपने विधायक को, सारे विधायकों को रखा है रोक के। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। आज रात तक 8 बजे रात तक आपको पटना में रहना है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। लगातार बिहार के सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। बता दें कि गोपाल मंडल का एक बड़ा बयान आ गया है। जदयू के गोपाल मंडल हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में जो सियासी घटनाएं चल रही हैं बिहार में, इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि कल होने वाली बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या घटनाएं घटने वाली हैं बिहार के सियासी गलियारे में। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, सियासी भूचाल मचने वाला है इस बैठक के बाद। पार्टी अमान काला यानी कि नीतीश कुमार ने कहा है, आदेश दिया है कि आज शाम यानी सोमवार के शाम तक सभी विधायक और सांसद को पटना आ जाना है और कल होने वाली बैठक में शामिल होना है। ऐसे में बैठक के बाद सियासी भूचाल आएगा। सबसे पहले सुनिए कि गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा है। बात यह है, फेरबदल हो कि नहीं हो, लेकिन हम लोगों को पार्टी के आला कमान ने ये आदेश किया है, आज रात तक 8 बजे रात तक आपको पटना में रहना है। अब कल बैठक में क्या होती है मैं ये नहीं कह सकता हूँ। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। क्या लगता है गठबंधन से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अरे गठबंधन से संतुष्ट रहिए ना, अभी तक तो गठबंधन में है। अब कल बैठक होने के बाद क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते हैं, हम लोग को बुलाया गया है। आरजेडी के लोग भी अपने विधायक को, सारे विधायकों को रखा है रोक के। हम लोग को भी जो छूटा है सबको बुला रहे हैं। अभी तैयारी पटने की है, वहीं जाएंगे, रात तक हम लोग को पहुँच जाना, फिर कल बैठक है। बैठक में क्या निर्णय लेती है तो उसके बाद ना। देखिए, एक तरफ जदयू के विधायक जो है लगातार बयान दे रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है बैठक के बाद, और गोपाल मंडल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक तरफ जदयू बैठक बुला रही है और दूसरी तरफ आरजेडी भी बैठक बुलाने की तैयारी में है। ऐसे में सियासी कुछ ना कुछ घटनाक्रम घटने वाली है और ये घटनाएं बड़ी होंगी बिहार के सियासत के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है। इससे पहले जो है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी रहेगी, अगले चुनाव तक जो है मजबूती से बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी। ऐसे में एक बार फिर गोपाल मंडल जो कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है बैठक को लेकर, जदयू पार्टी और एनडीए गठबंधन को लेकर। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।